ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। दोस्तों छठ पूजा एंड दिवाली आने वाले हैं। इन दिनों ट्रेनों में टिकट मिलना काफी मुश्किल हो गया है। आप लोग यदि ट्रेन से सफर करना चाहते हैं और आप लोगों को ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो आप लोग उसी भी एयर टिकट बुक करके और फ्लाइट से भी आप सफर कर सकते हैं। यदि आप थर्ड एसी सेकेंड एसी या फिर फर्स्ट एसी से ट्रेन में सफर करेंगे तो उसके लिए बता रहे हैं। यदि स्लीपर की बात किया जाए तो स्लीपर की बात हम नहीं करेंगे, यानी यदि सेकेंड एसी थर्ड एसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसी फेयर में आप लोग फ्लाइट से भी सफ़र कर सकते हैं। तो आप लोग कम से कम फेयर पे करके आप लोग कैसे फ्लाइट बुक कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं IRCTC रेल कनेक्ट ओपन करते हैं और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ यदि ट्रेन से सफ़र करेंगे तो आपको फेयर कितना पे करना पड़ेगा। From the dust I was born, to the dirt I shall return, when my... तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्च किया हूँ न्यू दिल्ली से पटना, यहाँ पे एक कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस है। इसे हम थर्ड एसी पे क्लिक करता हूँ तो हम इसे देखते हैं हमें थर्ड एसी में किराया कितना पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड एसी का किराया 385 रुपये समथिंग है। इसके बाद सेकेंड एसी पे हम क्लिक करते हैं तो सेकेंड एसी का किराया यहाँ पे 3270 रुपये है और यहाँ पे फर्स्ट एसी पे क्लिक करें तो यहाँ पे 4045 रुपये है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, तो इन दिनों ट्रेनों में टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद हम फ्लाइट पर सर्च करते हैं और यहाँ पर देखते हैं फ्लाइट का रेट क्या आ रहा है इन दिनों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक फ़्लाइट सर्च किया हूँ दिल्ली से पटना के लिए, जो कि ये डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप फेयर की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 2670 रुपये आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फ्लाइट दिया गया है जो कि आपको 3000 के समथिंग में आप लोग फ्लाइट से दिल्ली से पटना या फिर कई सारे ऐसे भी रूट है जहाँ पर आप लोग इस टाइम फ्लाइट में टिकट बुक करके सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहीं पे हम पेटीएम पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फेयर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5000 के समथिंग देखने को मिल रहा है। आप लोग सर्च करके ट्राई भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग फ्लाइट टिकट से सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और इसके बाद ट्रेन के जो किराया है उसी सेम रेट में आप लोग फ़्लाइट से सफ़र कर सकते हैं। यदि आप लोगों को फ़्लाइट टिकट बुक करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। टिकट बुकिंग कराने में यदि किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।